तो सबसे पहले मैं हाथी प्रीमियर लीग का आज तीसरा दिन जो अभी सियाल चैलेंजर और राजकलम चैलेंजर के बीच में जो मैच खेला गया, लाजवाब खेल का प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच, इस मैच का मैन ऑफ द मैच अजय कुमार उर्फ गोलू जाएंगे और अपना प्राइज रिसीव करेंगे। जय अकाली सिंह का स्वागत कीजिए। साथ ही साथ इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है मुख्य अतिथि कलेश्वर पासवान जी के द्वारा। और नगद राशि से भी इनको नवाजा जा रहा है। गोलो जरा आप इधर आएंगे। अब गोलू मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगले मैच में आप बहुत ही नीचे क्रम में आए थे बैटिंग करने के लिए और उसमें काफी कम बॉल में अधिक रन बनाना था, उस समय भी आप अच्छे बल्ला चला रहे थे, तो आज मैनेजमेंट जो टीम के मैनेजमेंट और कप्तान आप पर भरोसा करते हुए आगे उतारे और आपने जो ताबड़तोड़ बैटिंग का सूर्या यादव के जैसा किए, तो क्या आपने सूर्य यादव का बल्ला देख रहे थे ये खेल का या फिर किसी के प्रेरणा आप लेते हैं? आप लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो आपको सबसे लोकप्रिय सबसे अच्छे खिलाड़ी किनको आप मानते हैं और आज आपका बल्ला जो बोल रहा था इसके पीछे क्या राज है आप बताने का टेस्ट? इसमें भी थोड़ा सा इधर वीडियो अच्छा नहीं आ रहा। सबसे पहले तो गोलू घूमगा सबसे पहले तो मैं अपना कैप्टन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें इस लेवल पर भेजे, जो हमारे दौर होते हैं वहां पे जाने का और उस तरह से भेजे कि आपको रन बनाना है। और बात रही तो हम क्रिस गेल को बहुत ही खेल देखे हैं। हेलो गाइस, सो ये अपना टीम था राज चैलेंजर्स। हमने आज विन किया हुआ है लीग मैच में, पहला मैच हम लोग हार गए थे तो काफ़ी प्रेशर था, तो ये मैच होपफुली हमने बहुत बढ़िया खेला और टीम का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस राज का, तो ये मैच हमने जीता हुआ है। हमारे जो आज का मैन ऑफ द मैच रहा ये गोलू रहा है और कैप्टन का उन पर काफ़ी भरोसा था और टीम मैनेजमेंट जो छोटू भी है हमारे, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल टीम एक परफेक्ट बॉलिंग और फील्डिंग और बैटिंग तो काफ़ी अच्छा रहा। तो चलिए बात करते हैं कुछ गोलू से, अपने कैप्टन से और अपने टीम के जो फ्रेंचाइजी कह सकते हैं उनसे, तो क्या है उनका व्यू अगला आने वाले मैचेस कैसे खेलना चाहते हैं। तो अब तो सो गाइस अपने पहले जो अपने मैन ऑफ द मैच है गोलू उससे बात करते हैं। तो गोलू एक्चुअली में इसका जो नाम है वो अजय भी है, अजय भारती, तो हम लोग गोलू कह के बुलाते हैं। तो बताओ गोलू कैसा फीलिंग है, कैसा लग रहा है मैच जीत के आज? अच्छा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है बोलो रहा है। तो बताओ पहला मैच हम लोग हार गए थे, अपनी टीम हार गई थी, तो आज का मैच काफी प्रेशर था, जीतना ही था, मस्ट विन मैच था हम लोग के लिए, तो क्या प्लान था टीम का? टीम के प्लान था यही कि आप ज्यादा अधिक से अधिक स्कोर बना सके और गेम को जीता जा सके, और इस तरह से अगला मैच जो हम लोग हारे थे उसमें अगर हमको पहले बैटिंग के लिए भेजा जाता तो कुछ आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। ओके, तो ये आपके लिए बेस्ट बैटिंग ऑर्डर है? जी जी। ओके, सो कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि इसी डॉन पे आपको भेजा जाए और कॉन्ग्रेचुलेशन मैच विनिंग के लिए, और अभी एक मैच अपना लीग का बचा हुआ है तो उसमें भी होपफुली हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और सेमीफाइनल में जाएंगे। तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका, अगले मैच के लिए क्या प्लान है? अगला मैच के लिए प्लान रहेगा कि और बहुत जो भी प्रदर्शन होगा वो बेहतर करेंगे और मैच जीतने का कोशिश करेंगे और जीतेगी मेरी टीम। थैंक यू गोलू फॉर योर टाइम। और आप बात करते हैं अपने टीम के, राज चैलेंजर्स के कैप्टन है
पप्पू भैया हम लोग बोलते हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या प्लान था आज का और कैसे टीम को लेके चल रहे, आगे का क्या प्लान है। तो बताइए भैया, आज का मैच जीत गया कैसा लग रहा आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा, क्योंकि हम लोग के ऊपर लॉट ऑफ प्रेशर था, क्योंकि हम लोग पहले मैच में अच्छा स्कोर अगली टीम ने मतलब बनाई थी, हम लोग डिफेंड नहीं कर पाए थे उस मैच में, तो कम अंतर से हारे थे, तो हौसला उतना भी मतलब गिरा हुआ नहीं था। लेकिन आज से हम लोग का प्लान था कि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो अगले टीम को 90 के स्कोर के आसपास रोकने का, और नहीं तो हम लोग अगर बैटिंग करेंगे तो हम लोग 130 प्लस में, उसमें हमारी टीम कामयाब भी रही, अच्छी बल्लेबाजी हुई हमारी, गोलू और पीयूष अच्छा स्कोर किया ताबड़तोड़। बहुत खुशी हुई मुझे अपने टीम के परफॉर्मेंस देखकर, सारे खिलाड़ियों का सहयोग अच्छा रहा, बेहतरीन फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग हम लोग आज हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किए, मैं अपने टीम से काफी संतुष्ट हूँ। ये जो आपको बता दे फ्रेंड्स कि ये मैच में जो है राज चैलेंजर्स की टीम ने 155 का स्कोर किया हुआ था, और जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है, तो काफ़ी स्प्रिट हाई लग रहा है इस टीम का, और होपफुली नेक्स्ट मैच में भी आप, नेक्स्ट मैच का क्या प्लान है, कैसा कितना स्कोर करना चाहेंगे अगली टीम को, किस हिसाब से ले रहे हैं? ऑब्वियसली हम अपने प्लेयर्स के जिस टाइप का हमारे पास प्लेयर्स है, हीटर है, उस टाइप से हम उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट मैच में हम 160 प्लस स्कोर करने में अवश्य कामयाब होंगे। ओके, तो आप जिस टाइप का पिच खेल रहा है, अच्छी बैटिंग के लिए पिच है। ओके, सो आप मतलब ओवरऑल आप अपने टीम के परफॉर्मेंस से बहुत खुश है और काफ़ी अच्छी टीम कर रही है, और सेम परफॉर्मेंस आप चाहेंगे कि टीम कंटिन्यू करे नेक्स्ट मैच में, और होपफुली हम लोग फाइनल खेलेंगे। जरूर जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब आते हैं बात करते हैं अपने फ्रेंचाइजी जो राज क्लब के हैं और ऑनर हैं जो छोटू भी हमारे, तो इनसे बात करते हैं क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या प्रिपरेशन था और क्या स्ट्रैटेजी था इनका। तो बताइए भैया, कैसा प्लान था आपका आज का मैच का लेके, क्या प्लान था आपका, क्या सोचे हुए थे? पिछला मैच में हम लोगों ने कुछ रणनीति बनाने में चूका था, उस पर हम लोगों ने गहन मंथन पूरी टीम के साथ वर्क किया, और उस जो चूक हुई थी उसको हम लोगों ने दरकिनार किया, और अब सीआर टीम ने जो बैटिंग की, जो फील्डिंग की, जो बॉलिंग की, वो टीम मैनेजमेंट, टीम के युवा खिलाड़ियों का सहयोग, टीम के अनुभवी खिलाड़ियों का सहयोग के बदौलत हुआ, और नाम भी मेरा राज चैलेंजर, हम लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं और राज करते हैं। ओके ओके, सो आपका मॉरल बहुत हाई है आज के मैच से, आप अपने टीम के परफॉर्मेंस से खुश हैं, अपने प्लेयर्स के से खुश हैं, आपके जो प्लानिंग के हिसाब से मैच सब बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल 110%। ओके, तो आपके बेस्ट जो बैट्समैन है गोलू है, पीयूष है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक ओपन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है घनश्याम से, वो कभी भी ब्लास्ट करेंगे। ओके, आपको बिलीव है? ब्लास्ट करेगा, समय बुरा वक्त आता है, वो बुरा वक्त से निकलेंगे और बेहतरीन प्रदर्शन उनसे भी देखने को मिलेगा। ओके, तो गाइस इनको बिलीव है कि इनका जो ओपनर है अभी दो मैच से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो होपफुली नेक्स्ट मैच में वो काफी अच्छा करे, 50 स्कोर करे, और इनका मॉरल बहुत हाई है। नेक्स्ट मैच के लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप, क्योंकि वो एक मस्ट विन मैच है, लीग का लास्ट मैच भी है अपने टीम का। जो आज का परफॉर्म हुआ वो सब देंगे, 100% देंगे, टीम जीतेगी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो गाइस, ये ओवरऑल आज का प्रेजेंटेशन था अपने टीम का, अपने प्लेयर्स का, मैन ऑफ द मैच गोलू, और अपने कैप्टन जो पप्पू भैया है वो काफ़ी खुश है, और ऑनर छोटू भैया जो है काफ़ी खुश है। सो नेक्स्ट मैच देखते हैं अपना, मस्ट विन मैच है वो भी, तो अगर उसको जीतते तो अपन क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए, सो होपफुली वी विल डू बेटर, तो नेक्स्ट मैच देखते हैं कैसा होता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। थैंक यू।